अनुज सर, हम बहुत पहले से जानते हैं रशिया के पास इन्फेंट्री की कमी है, रशिया के पास रिजर्व्स की कमी है, लेकिन क्या अभी रशिया इस हालत में है, इस स्टेज में युद्ध के, कि वो बाहर से वैगनर ग्रुप जो कैदी है इन सब से रिप्लेनिश कर वापस इस जंग पर काबू पा पाए? निशांत, देखिए मैं आपको पहला बहुत साधारण सा लड़ाई का नियम बताता हूँ। चंदन सिन्हा हमारे गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, उसका नियम यह होता है कि जब भी आप आक्रामक होते हैं हमलावर सैनिकों को कम से कम 3:1 मिनिमम 3:1 सुपीरियोरिटी की जरूरत है, और वो सुपीरियोरिटी पिछले 6-8 महीने में जिस तब से वो फरवरी से लड़ाई लड़ रहे हैं वो सुपीरियोरिटी रशियन ट्रूप्स की ऑन ग्राउंड खत्म हो चुकी है। मैंने पहले भी कई बार आपसे इस बारे में बातचीत की है कि जो युद्ध का निर्णय होता है वो मिसाइलों और फायर पावर के हिसाब से नहीं होता है, वो निर्णायक होते हैं। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन जो इवेंचुअल जो आपको आपका एम अटेन करना है वो एम आपके बूट्स ऑन ग्राउंड ही लेकर के आएंगे, और अगर बूट्स ऑन ग्राउंड जब तक आपके पास 3:4:1 की सुपीरियोरिटी नहीं होगी मुझे लगता नहीं है। तो अब क्योंकि ये सुपीरियोरिटी वाज ड्विंडलिंग, उस वजह से आपने देखा होगा कि रशिया हैज सफर्ड सम रिवर्सेस साउथ में भी और ईस्ट में भी। तो अब आवश्यकता है, बहुत जरूरी कि अच्छा ये जो आप रेशो बता रहे हैं सर, दिस इज द रेशो अप्लाइड फॉर एन एग्रेसर, राइट? हमला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, द डिफेंडर मतलब 1:3 या 1:6, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था 1:6 का भी रेशो होता है खासकर जब सिटी यूनिट्स में घुसते हैं। निशान, 1 मिनट, उसकी क्या होता है कि जो जमीन के हालात होते हैं, जैसे आप 1:6 की बात कर रहे हैं, यदि हाई अल्टीट्यूड में लड़ाई है, उदाहरण के लिए कारगिल हुआ था या गलवान हुआ था, वहां पर या शहरों में 10 तक आपको आवश्यकता पड़ती है सुपीरियोरिटी की, न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी की, और जब तक वो न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी आपके पास नहीं होगी मुझे लगता नहीं है कि आप कोई निर्णायक गेंस कर पाएंगे। पॉइंट टेकन। आप जो बता रहे सर, इसमें एक और फैक्ट है वो मैं शेयर करता हूं यहां पर। रूस की हार जीत पर टिका है पुतिन का राजनीतिक भविष्य, दैट्स अ फैक्ट। प्ले ऑन करें, सिर्फ ब्रेकिंग। रूसी सेना को नुकसान से पुतिन की इमेज को धक्का, 2 दशक में पुतिन ने सेना में पर बहाया है बेहिसाब पैसा, मजबूत सेना के दम पर ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं पुतिन, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके साथ विजुअल दिखाइए। रूस की हार जीत पर टिका है पुतिन का राजनीतिक भविष्य, यह बहुत बड़ी खबर है, और इसके हमारे पास जो गोप्रो ग्राफिक्स है जरा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, सीधे आइए। रूसी सेना को जो कुछ भी हुआ है यहां पर देखें, रूस की रणनीतिक हार, पुतिन के सिंहासन पर संकट, ध्यान से देखें आप। पुतिन के 2 दशक के कार्यकाल में रूस के मॉडर्न और ताकतवर सेना तैयार की, नंबर 1। यूक्रेन में सेना की तबाही ने रूस को स्ट्रैटेजिक हार की कगार पर पहुंचा दिया है। नेक्स्ट चेंज करें, 2 दशक से सत्ता संभाल रहे पुतिन ने सेना के मॉडर्नाइजेशन पर जमकर पैसा बहाया, पुतिन ने आधुनिक सेना के दम पर दुनिया में ताकतवर नेता की इमेज बनाई है। यूक्रेन में रूसी सेना की जो हालत हुई है वो पुतिन की सत्ता के लिए भी चुनौती है। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर यहीं से ले रहे हैं। रूस में बढ़ती जा रही है सत्ता परिवर्तन की मांग, ब्रेक करें, अगली 2 ब्रेकिंग तेजी से। पुतिन के खिलाफ खुलकर सामने आए 65 अधिकारियों ने पुतिन को हटाने वाले प्रस्ताव पर किया साइन विद द विजुअल्स। कल तक यह आंकड़ा 50 का था। जो इन्फॉर्मेशन है, जिला और नगर पालिका स्तर पर भी पुतिन का विरोध हो रहा है। सीधे बिग वॉल पर आइए, यह बहुत बड़ी खबर है, यह मैं आपको दिखाना जा रहा हूं। सीधे प्ले ऑन करें, बड़ा तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। रूस में राजनीतिक संकट, मिशन पुतिन पर ब्यूरोक्रेट, ध्यान से देखें। आर्थिक सैंक्शन के बीच रूस में बड़े राजनीतिक संकट की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। नंबर 1, चेंज करें, 65 रूसी अधिकारी पुतिन को सत्ता से हटाने के वाले प्रस्ताव पर साइन कर चुके हैं। लास्ट 2 पॉइंट्स तेजी से, पुतिन को हटाने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में रूसी अधिकारी एकजुट हुए। लास्ट पॉइंट, समारा, याकुत्सक, वेलिकी, नेवगोरोड और वोर्निश नगर पालिका प्रतिनिधि भी मिशन में शामिल। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।